सो हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे आज के एक नए वीडियो पे। तो यहाँ पर आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। एक्चुअली यहाँ पर जो वीडियो है, यहाँ पर आप लोग को मैं बताऊँगा कि आप लोग BGMI पे अपने आईफोन के अंदर हेडफोन्स की सेटिंग को किस तरीके से रख सकते हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर वॉइस वहाँ पर आ सके। कुछ लोगों के साथ होता है कि जो आपकी वॉइस है आपका BGMI के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, साउंड आपके ग्लिचेस हो जाते हैं, अराउंड लेफ्ट का राइट में सुनाई देता है, या फिर कहें लेफ्ट राइट दोनों तरफ से अगर कोई साउंड आता है तो वो एकदम से गूंज सा जाता है। तो उस चीज़ को किस तरीके से यहाँ पर आप ठीक कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना है, अपने आईफोन के साउंड सेटिंग पर जाना है, साउंड एंड हैप्टिक्स पर जाना है, साउंड सेफ्टी पे जाना है। यहाँ पर आपको रिड्यूस लाउड साउंड का ऑप्शन देखिएगा, इसको आपको इनेबल कर लेना है और इसको 100 पर आपको सेट कर लेना है। सेकंड थिंग, हम यहाँ पर जाएंगे आपका एसेसिबिलिटीज़ के अंदर। इसके बाद यहाँ पर से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ को जाएंगे ऑडियो डिस्क्रिप्शन पे और इसको हमने ऑफ कर देना। ये इनेबल रहता है कितने लोगों के उसमें, लेकिन यहाँ पर आपको इसको डिसेबल कर लेना है। सेकेंड चीज़, इसके बाद आप लोग जाएंगे यहाँ पर हियरिंग डिवाइस पे। इस पर आपको क्या करना है, हियरिंग एड कॉम्पेटेबिलिटी इसको इनेबल कर लेना है। ये डिसेबल बेसिकली रहता है किसी किसी फोन में, लेकिन इसको आपको इनेबल करके रखना है, ये पॉइंट है। एंड सेकंड थिंग, साउंड रिकॉग्निशन को हमेशा ऑफ करके रखना। उसके जस्ट नीचे आपको ऑडियो विजुअल का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पर आप लोग को अपना जो बैकग्राउंड साउंड है इसको ऑफ रखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर मोनो ऑडियो जो आपको नज़र आएगा इसको आपको ऑफ रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों में ये भी इनेबल रहता है, लेकिन इसको आपको ऑफ करके रखना है। देन उसके बाद हेडफोन नोटिफिकेशन इनेबल करके आपको अपने इसको बैलेंस पे रखना है। वैसे बेसिकली बहुत लोगों से बैलेंस पे रहता है, हो सकता है कभी छेड़छाड़ होकर हो गई हो फोन पे, तो आपको इसको इस तरीके से बिल्कुल सेंटर पे रखना है। बेसिकली ये उनके लिए जो जिनका जो साउंड है ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट करता है, मैं थोड़े कम रखता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉइसी होती है। तो यहाँ पर से आप लोग इसे चेक कर सकते हो, इसमें थोड़ी सी सेटिंग ये करनी है कि इतना इतना आपको हल्का हल्का इसको कम ही रखना है। तो पहले तक जो साउंड आते थे बहुत एक तीखे साउंड आते थे, लेकिन वो अब आने बंद हो जाएंगे। तो ये सेटिंग आप एक बार ज़रूर करना और बताना कि आप लोगों के उसमें चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी एक और नेक्स्ट आईफोन की वीडियो पर। सो तब तक के लिए बाय।